हाँ जी नमस्कार, राम राम, जैन साथियों सभी को मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, हरियाणा एनटीटी टीचर्स की जो भर्ती 2023 की आई हुई है, आप सभी को पता होगा 4,000 वैकेंसी जो है, मनोहर लाल खट्टर का हो या फिर महिला श्रम रोजगार मंत्रालय ने जो है 4,000 वैकेंसी निकाल रखी है, आप सभी को इस बात का पता होगा। नहीं पता है तो इससे पहले मैंने वीडियो डिटेल वीडियो डाल रखी है। ये 4,000 वैकेंसी जो हैं ये गवर्नमेंट वैकेंसी हैं, पक्की वैकेंसी हैं, लेवल 2 के अंदर जो हैं ये वैकेंसी हैं। और इसको भरने के लिए आपको 12th+ NTT का डिप्लोमा चाहिए। एनटीटी जो है आपका नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग जो है आपका सर्टिफिकेट होता है, 1 और 2 साल का होता है। ECCE भी होता है और एनटीटी भी होता है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा, आप सभी को पता है न्यूज़पेपर के अंदर एक नोटिस आया था कि 20 दिसंबर से आपके जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ये 20 दिसंबर का नोटिफिकेशन सभी को पता है। तो देखिएगा, नोटिफिकेशन जो होता है ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, एग्जाम कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा, सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आती हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है कहाँ है, कैसे आपको मिलेगा, और एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न क्या रहेगा। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, सारी वीडियो उन्होंने देख ली है, पहले भी मैंने वीडियो इसी चैनल पर डाल रखी है इसकी डिटेल वीडियो, लेकिन एग्जाम कब होगा और इंटरव्यू कब होगा इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है चर्चाएं चली हुई हैं। स्टूडेंट्स की कॉल आ रही हैं, मैसेज आ रही हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कौन सा डिप्लोमा जो है वो वैलिड रहेगा। तो सबसे पहले ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा अभी, सबसे पहले तो आप 20 तारीख से जो है इस फॉर्म को फिल जरूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में मैं एनटीटी की क्लासेस भी लेके आऊँगा और टीचर्स को लगाकर सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, पूरी तैयारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो है रहेगी। नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा भाई, एनटीटी के नोट्स भी जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल उत्तम क्लासेस पर। तो ज्वाइन कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। अब देखिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ना भाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई भी जॉब क्यों ना हो, चाहे एसएससी की हो चाहे एचएसएससी की हो, सभी का 2 दिन पहले आता है। मान के चलो 20 तारीख को है तो 18 तारीख को, 17 या 18 तारीख को आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। उसमें आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगी, लेकिन अभी तक जितना पता चला वो ये है कि 4,000 प्लस पोस्ट हैं, 20 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 18 से 40 साल की जो हैं वो महिलाएं, केवल महिलाएं भी, केवल महिलाएं जो हैं इस फॉर्म को भर सकती हैं। तो किसी भी की भी बहन है, माता है, तो वो बता सकता है, शेयर कर सकता है। और डिप्लोमा के रिगार्डिंग जो है गलती ना करें, क्योंकि डिप्लोमा बहुत ज़्यादा फर्जी बन रहा है। 90% जो ये डिप्लोमा बनवा रहे हैं ये फर्जी है भाई, 90%। तो कहीं जल्दी के चक्कर में आप फर्जी डिप्लोमा मत बना लीजिएगा, पूछ लीजिएगा मेरे से, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा मुझे 7876763394 पर, यह मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है। कॉन्टैक्ट का मतलब आप केवल व्हाट्सएप करिएगा और कुछ मत कीजिएगा, 3394, ठीक है, केवल व्हाट्सएप कीजिएगा। तो एग्जाम सिलेबस और पैटर्न की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने जैसा पता चला है, मैंने डायरेक्टर से बात की थी तो उन्होंने यही बताया कि एग्जाम होगा, क्योंकि इंटरव्यू नहीं कर सकती, क्योंकि हरियाणा सरकार का रूल है ये कि इंटरव्यू किसी भी पोस्ट का नहीं होगा, पक्की पोस्ट का एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद जो है आपका इंटरव्यू भी होगा। तो मेन जो चीज है वो आपका एग्जाम है। एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा वो मैंने पूछने की कोशिश की थी, हालांकि उन्होंने कह दिया था ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करें। मैंने टोल फ्री नंबर पर बार 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 कॉल किया, लास्ट में डायरेक्टर का नंबर कहीं से लेकर किसी लिंक से जो है बात करवाई, तो उन्होंने जो है केवल इतना बताया कि हाँ जी एग्जाम होगा, जी एग्जाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो उन्होंने कहा कि सिलेबस ज़्यादा तो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो सिलेबस क्या रहेगा उसकी मैंने थोड़ी छानबीन की है, ये टेंडेटिव सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस आपको 18 तारीख को मिलेगा। इस चैनल को विजिट कर लें, आपको मैं जो है सबसे पहले सिलेबस दूंगा। ये लगभग 90% जो है यही सिलेबस रहेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सिलेबस जो है DSSB में यही सिलेबस था, और चंडीगढ़ की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी यही था, और पंजाब की जो एनटीटी की वैकेंसी आई थी उसमें भी ये था, और राजस्थान की जो एनटीटी की वैकेंसी आई थी उसमें भी ये है, और हरियाणा की वैकेंसी में भी जो है यही रहेगा। तो भाई आपको मैंने बता दिया, सिलेबस सुनिएगा। जनरल अवेयरनेस, जिसको हम जिक्के बोलते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सारी चीज़ें आती हैं, वो 20 नंबर की आएगी। ठीक है, 20 क्वेश्चन या 20 नंबर की आएगी। रीजनिंग जो है 20 नंबर की आएगी, मैथ 20 का, इंग्लिश, हिंदी जो है वो 20 नंबर की। मेन जो चीज़ है ये 100 नंबर का हो गया। मेन जो चीज़ है वो 100 मार्क्स का जो है सब्जेक्ट कंसर्न्ड है। सब्जेक्ट कंसर्न्ड का मतलब टीचिंग मेथोडोलॉजी,
टीचिंग आपको कैसे करनी है, कैसे आपको पढ़ाना है, एनटीटी की टीचिंग मेथोडोलॉजी आएगी भी, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनको गाइड कैसे करना है, उनको किस टाइप का कंटेंट आपको देना है, सब्जेक्ट के अंदर जो है गेम्स को कैसे इंक्लूड करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको 100 नंबर की जो क्लासेज जो है मैं रेगुलर आपको यूट्यूब पर दूंगा जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, नोट्स भी मैं बना रहा हूँ कुछ, ताकि आपको नोट्स दे दिए जाएं, क्योंकि अभी तक एंटिटी के कोई भी नोट्स मार्केट में प्रोवाइड नहीं किए हैं किसी ने भी। तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आपको नोट्स दें। सब्जेक्ट सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। मेन जो चीज़ रहेगी ना भाई, जहाँ से आपका सिलेक्शन होगा वो जो है केवल आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा। ये वाला पोर्शन जो है सब्जेक्ट कंसर्न जो है वो मेन रहेगा। ये तो सभी करते हैं, जितने भी कोचिंग लेने वाले स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे इस पोर्शन को करते हैं, इस पोर्शन को। लेकिन जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसको कोई भी नहीं करता है, तो इसको जो है हम करवाएंगे। और ऊपर वाले पोर्शंस की जो है मैराथन लगवाऊंगा मैं सभी की, जैसे हिंदी की एक दिन हिंदी की अच्छे से टीचर से जो है 5 से 6 घंटे की मैराथन लगवा दूंगा, इंग्लिश की लगवा दूंगा, मैथ की, रीजनिंग की, ऐसे करके मैराथन में इनको कंप्लीट करवा दूंगा। और सब्जेक्ट कंसर्न जो है वो मैं डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो ये सिलेबस है, आपको बार बार कह रहे थे ये टेंटेटिव है, ये ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल आपको 18 तारीख को पता चलेगा, लगभग 90% यही रहने वाला है। अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें, क्योंकि एग्जाम लेने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगी गवर्नमेंट। आप मान के चलना आपका जनवरी में एग्जाम होगा, क्योंकि मार्च को सेशन स्टार्ट है, तो सेशन से पहले जो है 4000 टीचर्स की भर्ती इनको करनी है। ठीक है भाई, और मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताई है, एनटीटी जब भी कर रहे हो आप, जहाँ से भी कर रहे हो ना, तो फर्जी मत ले लेना डिप्लोमा, क्योंकि अब फिलहाल जो है ना वो बैक डेट में 90% लोग फर्जी डिप्लोमा दे रहे हैं। ठीक है, ये मौका है, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। और कौन सा एनटीटी का सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ये सारी वीडियो जो है मैं पहले बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों, अच्छी लगी होगी, जय श्री श्याम।